क्या आप भी लड़की बनना चाहते हो? क्या आप भी गोरे होना चाहते हो? क्या आप भी सुंदर घने बाल पाना चाहते हो? क्या आप भी सिर से लेके पैर तक खूबसूरत दिखना चाहते हो? क्या आप भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनना चाहते हो, वो भी सिर्फ 500 के अंदर? तो जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज एक ऐसे क्रिएटर्स को देखेंगे जो आपको फैशनेबल बॉय बनने का तरीका बताएंगे, सिर से लेकर पैर तक आपको एक हीरा बना देंगे। तो जी हाँ, हम उन क्रिएटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मुंह के ब्रश से लेकर आपको हगना और धोना भी सिखाएंगे। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने खुद तो जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है और हमें उखाड़ने की बात कर रहे हैं। खुद तो मेकअप और फिल्टर लगा के गोरे होते हैं और हमें कहते हैं थूक लगाओ गोरे हो जाओगे, बेसन लगाओ गोरे हो जाओगे, आटा लगाओ गोरे हो जाओगे, टट्टी लगाओ गोरे हो जाओगे। तो चलिए, मैं तो भोंगता ही रहूंगा, तो शुरू करते हैं आज का धंधा। आपके फेस पर डिफरेंट जगह पर एक्ने होने का क्या रीजन होता है? सबसे पहले अगर आपकी चीक पर एक्ने, इसका मतलब है कि आपके गंदे पिलो केस की वजह से हो रहा है। अच्छा, अगर मेरे फेस पर एक्ने और पिंपल है तो उसका मतलब ये मेरी तकिया की गलती है। अब से तकिया बंद, मेरी माँ तो पागल है जो 24 घंटे तकिया को धोती रहती। तकिया क्या भाड़ में। अगर आपको फिर भी फेस और एक्ने की प्रॉब्लम है तो ये गद्दा देख रहे हो, गद्दा जिसमें तुम लेट के सोते हो, इसको भी फेंक के बाहर मारो। अगली बार से अगर फिर से एक्ने और पिंपल होंगे तो इसी की वजह से तो होंगे, तकिया तो हमने बंद कर दिया। तो उसका मतलब क्या है कि अब से हमारे गद्दे में नुक्स है, अब से हमारे गद्दे में प्रॉब्लम है, अब से हम इस गद्दे पे नहीं सोएंगे, अब से हम चटाई डाल के नीचे सो जाया करेंगे। बट अगर आपके फोरहेड पे, इसका मतलब आपने बाल सही से वॉश नहीं कर रहे। नंबर 3, चिन पे हो रहा है तो स्ट्रेस एंड हार्मोन्स। और अगर आईब्रो के बीच में हो रहा है मींस कि आपकी पुअर डाइट है। तो अगर आप, हाँ ये तो हमें पता ही नहीं था। अगर हमारे सिर पे एक्ने हो रहा है इसका मतलब ये है कि अच्छे से वॉश नहीं कर रहे। देखो तुम्हारे शैम्पू के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई प्रोटीन की कमी होगी, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, इसी से तो हो रहा है। अगर हमारे आईब्रोज के बीच में हो रहा है तो जंक फूड के कारण हो रहा है। अबे और रात में चमकने वाला चमगादड़, मेरी बात सुन, अगर ये भी दिमाग के बीच में ही आता है, दिमाग तो हम इसको सारे को कहते हैं। इससे ज्यादा रिच बनने पर फोकस करो, पर ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप क्लासी जरूर लग सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना हेयर स्टाइल ठीक करना है। वैसे बाल रखोगे तो क्लासी तो किसी एंगल से नहीं लगोगे, इसलिए हेयर स्टाइल एकदम क्लीन होना चाहिए, ये हो गया क्लीन है। अब लूज टी शर्ट अवॉइड करनी है, लूज टी शर्ट हटा के हम करेंगे प्लेन सॉलिड ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट एंड ग्रे। बन गए रिच, बन गए क्लासी। अगर ये सब पहन के कोई रिच और क्लासी लगता तो आज मैं भी अंबानी का पोता लग रहा होता। इतने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर जेब में 200 रुपए नहीं है तो कोई रिच नहीं लगोगे। ये वही चमक चमकदार लोग होते हैं जो जिंदगी में 200 रुपए के मैगी की टी शर्ट नहीं पहनते पर दोस्तों की पहनकर हवा मारते हैं। फिर वही दोस्त कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, अरे भाई कहां से उठा लाया ये शर्ट, ये कल तो मैंने अपनी अलमारी में रखी थी, उठा के भी ले गया। अरे चोरी करनी है तो कम से कम पूछते क्या तो कर, अगर दोस्त है तो दोस्त मान तो सही, ऐसे उठा के लेके जा रहा है जो खुद की चीजें होती है। 1500 रुपए जैकेट पे मैंने लगाए हैं, पहन के ये चला गया। गर्लफ्रेंड के साथ मैंने जाना था पर गर्लफ्रेंड के साथ ये जा रहा है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। बन जाओ एक्टर, बन जाओ चौधरी, बन जाओ रिच, क्लासी बनना इनको। अट्टी जैसी शक्ल है, जो पहन रहे हो अच्छा लग रहा है, इनके चक्कर में अगर पहनने लगे ना सर ऐसा तो बिल्कुल टट्टी लगोगे। लाइफ में परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, यहाँ तक कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे भी बचपन से लोग लड़की लड़की मीठा मीठा कह के बुलाते थे और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। ये सोचता था कि शायद मैं इस कमी को कभी भी दूर नहीं कर पाऊंगा और लोग मुझे हमेशा ही ऐसे चढ़ाते रहेंगे। मुझे अपना फ्यूचर देख करके बहुत ज्यादा डर लगता था, बट मैंने हार नहीं मानी, अपने अंदर काम किया, अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया और मैं अपना बेटर वर्जन बन के बाहर निकल के आया। तो देखा, वीडियो में कैटी लाने के लिए करना क्या पड़ता है, मेकअप लाना पड़ता है। और कौन सा मेकअप लाना पड़ता है, लैक्मे का ब्रांडेड मेकअप करेंगे तभी तो ब्रांडेड दिखेंगे ना। और जो मैं गोरा दिख रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी मेकअप करता हूं। लाइट पड़ी है सामने, रिंग लाइट पड़ी है सामने तो गोरा दिख रहा हूं, लाइटिंग अच्छी है। ऐसी नहीं मैं मुंह उठा के कमेंट करने लग जाना कि भाई आप भी मेकअप करते हो, आप भी गोरा दिख रहे हो, लाइटिंग का कमाल है। अब ये सोचो, अगर कोई लड़का मेकअप कर रहा है तो उसको लड़की ही कहेंगे ना। अगर कोई लड़का इसको लड़की बोल रहा है तो वो सही तो कह रहा है। मुझे पहले ये बताओ, अगर मेकअप करेंगे, ये लैक्मे का प्रोडक्ट यूज करेंगे जो लड़की यूज करती है, तो इस इंसान को लड़की कहेंगे ना। ये क्या मतलब है, डीमोटिवेट कर रहा है कोई। एक तो ये लड़की वाली हरकतें कर रहा है, इसको लड़की मत कहो। अगर ये लड़की वाली हरकतें करेगा इसको लड़का ही कहो। अरे भाई कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है दुनिया में। अगर तू ऐसा ही काम करना चाहता है तो मैं इस दुनिया से आउट हूं भगवान, मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूं भगवान। दुनिया में बहुत अच्छे काम है जो मैं कर सकता हूं, पर ऐसे काम मैं नहीं कर सकता कि आपको टट्टी से ऐसा बना दे। हम लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे एंड वी वर जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि हमें इतनी बड़ी खुशी उन्होंने दी। इसके बाद हम लोगों ने पहला अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जिसमें हमें छोटा सा बेबी दिखा। अरे अंकित कुछ चीजों को प्राइवेट रख ले, सब कुछ ही पब्लिक कर रहा तू। ये सारे व्लॉगर होते कौन है भाई जो अपनी सारी जिंदगी पब्लिक कर देते हैं, सारा व्लॉग में सब कुछ बता देते हैं कि हम आज यहां जा रहे हैं तो पीछे से चोरा का डाका मार लेगा।
अब हम यहाँ जा रहे हैं तो फिर से चोर आएगा, फिर डाका मार लेगा। आज हम मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, आज हम भाई बहन के साथ जा रहे हैं, आज भाई यहाँ पर जा रहा है, आज बहन वहां पर जा रही है, आज मम्मी वहां पर जा रही है, पापा वहां पर जा रहे हैं। अगर कोई किडनैप होगा तो उनको क्या फर्क पड़ता है? कंटेंट मिल गया। पापा हुए किडनैप, मम्मी हुई किडनैप, भाई हुआ किडनैप, बहन हुई किडनैप। व्लॉग पार्ट वन। व्यूज आएंगे ना, चाहे वो पब्लिक स्टंट क्यों ना हो, चाहे अपने बाप को खुद ने ठुका दिया हो, बट कंटेंट है, व्लॉगिंग। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, और बाकी वीडियो चेक करना ना भूले।